एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है इसी तरह एक छोटा सा मंडल देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है उस मंडल के हिसाब से कुरान सही है और गीता गलत है रामायण गलत है जैन गलत है वैश्य गलत है महाभारत गलत है सब गलत है और अंग्रेज सही है पंचम जॉर्ज दयालु है अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा जैनियों ने लूटा है विदेशी ताकतों के सहारे देश को तोड़ने की साजिश यह अनुपमंडल कर रहा है और वह यह कर सकता है क्योंकि हम सब लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं वह निशाना इस बार अहिंसक समाज जैन समाज को बना रहा है उस समाज को जहाँ पर एक जंतु मारना भी पाप माना जाता है उस समाज को कोरोना के लिए वो जिम्मेदार मान रहा है पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में जो कोरोना फैल रहा है उसके लिए जैन समाज जिम्मेदार है देखो कितनी हंसी की बात है और हंसने के लिए हंसो और हंसो लेकिन यह बात चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के दिमाग में बैठाई जा रही है कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर सौ बार चिल्ला चिल्ला कर बोला जाए तो झूठ भी सच लगने लगता है इसी तरह मंडल झूठी और बेमतलब की बातें फैला फैला कर पिछले अनेक वर्षों से जैन समाज के खिलाफ लोगों के जनमानस में एक गलत प्रतिमा बना जा रहा है और बार बार इस झूठ को दोहराया जा रहा है जगह जगह पर आंदोलन किए जा रहे हैं जैन साधुओं के पुतले फूके जा रहे हैं मंदिरों के सामने महिलाओं को बेचकर आंदोलन किया जा रहा है और हम सब बैठकर घर में प्लान ही बना रहे हैं कि क्या करना चाहिए दो दिन पहले आचार्य श्री विमल सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब ने टी पर एक वक्तव्य दिया था और उनकी हिम्मत देखिए कि उन्होंने तुरंत वहाँ पर एक गांव में आंदोलन करके कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनका फोटो जला दिया और हम आप घर में बैठ के व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहे और वो वीडियो एक दूसरे को बेच रहे हैं उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे साधुओं के पुतले फूके और हम कोरोना का बहाना माकर घर में कुंडली मारकर बैठे हैं घर में आराम से बैठे हैं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर कोरोना है सरकार ने नियम लगाए उनके लिए कोई नियम नहीं है वो सब कर सकते हैं बिना मास्क के वो आंदोलन कर रहे हैं लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं उनके लिए कोई नियम नहीं लेकिन हमारे जैनियों के लिए सारे नियम है क्योंकि हम लोग डरपोक बन चुके हैं धर्म को उठाना धर्म के लिए धर्म को बचाने के लिए शस्त्र को उठाना भी जायज माना जाता है लेकिन हम आवाज भी नहीं उठाते हैं एक आवाज भी हम लगाते नहीं है हम एक होते नहीं है अब तो हमारा खून भी खोलता नहीं है क्योंकि खून भी सोच सोच के बार बार अहिंसक अहिंसा अहिंसा कर करके खून भी अहिंसक हो चुका है ऐसे में हमारा खून ठंडा हो चुका है हमारे युवाओं के अंदर ज्वाला नहीं फूटती है उनके अंदर मन में एक क्रांति नहीं आती है क्योंकि हमने हमारे सारे लोगों को अहिंसक बना दिया है और खून को भी अहिंसक बना दिया है खून को भी पूरी तरह ठंडा कर चुके हैं हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हम चाहे तो एक दिन में इस अनुपमंडल का पूरे देश से नामो निशान मिटा सकते हैं चंद लोग है चंद लोग कुछ हजार लोग भी नहीं है इस अनुप मंडल में है और हम करोड़ों की संख्या में है उसके बावजूद भी वो हम पर आरोप कर रहा है और फालतू के आरोप कर रहा है अगर आरोप करोगे तो सुनाई आती है हमें हंसी आती है कि बरमुडा ट्रायंगल के नीचे जैन समाज का एक लैब है अरे मेरे भाई अनूप मंडल आपने क्या किया है नशा पिया है क्या अरे बरमुडा ट्रायंगल के नीचे जाने की किसी के बाप की हिम्मत नहीं है और अगर तुम्हारे बाप की हिम्मत है तो तुम अनु बरमुडा ट्राइंगल के नीचे जाओ और दिखा दो पर कौन सी लैब है और फोटो लाकर हमें कि कौन से जैन आदमी और कौन से जैन आदमी खत्म करने की कोशिश कर रहे नहीं है लेकिन फालतू बकवास ऐसी बैन कर दिया गया है और जिस किताबों में फालतू बकवास की बातें भर रखी है हमारे शहीदों का अपमान किया हुआ है गीता का अपमान किया है रामायण का अपमान किया है महाभारत का अपमान किया है वैश्यों का अपमान किया है जैनों का अपमान किया है उस उस किताब किताब की की बात कर उस किताब की कर रहे रहे हैं तारीफ हैं और, की की है, है। है, है और, और चाटुगिरी करते थे इसलिए अंग्रेजों की तारीफ की, की जा रही है और जिन शहीदों ने इस देश के लिए बलिदान दिया शहीदों का नाम खराब किया जा रहा है और उसके साथ साथ जैन समाज को टारगेट किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है इसका जवाब उनके पास नहीं है फालतू और बेमतलब की बकवास बातें की जा रही है और यह बात हम चुपचाप सुने जा रहे पिछले कई वर्षों से क्योंकि अब हमें ही हमारी ताकत का अंदाजा नहीं रहा है हम डरपोक हो चुके हैं हम अहिंसक हो चुके हैं और अब हम सोचते हैं कि हमसे शायद कुछ नहीं हो सकता है जिस तरह कोरोना पेशेंट पंद्रह दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब घर पे आता है तो शारीरिक तो कमज़ोर होता है वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है वो उठ नहीं पाता है और वो विचार भी नहीं कर पाता है कि मैं उठकर वो सामान अपने हाथ से लूं क्योंकि वो पूरी तरह मन से कमज़ोर हो चुका है बस उसी हालत हमारी हो चुकी है हम पूरी तरह मन से कमज़ोर हो चुके हैं हम डर चुके हैं हम हम सोचते हैं कि हम बाहर भी निकलेंगे तो हमें 144 लागू हो जाएगा उनको 144 लागू नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता और हमारे लोग घर में बैठे हैं कल्पेश सिंह भी जैसे आदमी का मैं सलाम करना चाहूंगा जिसने पूरे धमकी के साथ अनूप मंडल को बता दिया कि अनूप मंडल क्या चीज़ है और अपने पते के साथ उनको बोला है कि आइए और हमारे साथ हमारे साथ आंदोलन हमारे साथ सामने आइए राजस्थान के उन छोटे छोटे गाँवों में जहाँ पर हमारा समाज नहीं है वहाँ पर क्या आंदोलन करते हो आइए हमारे शहरों में आइए जहाँ पर जैन समाज है और हमसे बातें करिए हम बताते हैं आपको जैन क्या है और क्या नहीं हम क्षत्रिय है और हम अगर समाज को और धर्म को बचाना है तो शस्त्र भी उठाना हमारे लिए है और हम वो शस्त्र भी उठाएंगे अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम अनुपमंडल से भी मैं बोल देना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि जैन कुछ नहीं कर सकते हैं जैन बहुत कुछ कर सकते हैं आप आइए हमारे शहरों में आइए हमारे गांव में आइए जहां पर जैन समाज रहता है जहां पर दो चार जैन रहते हैं उनके ऊपर हमले मत कीजिए अगर आप में मर्दानगी है तो हमारे शहरों में आइए फिर हम आपको जवाब देंगे और मैं पूरे जैन समाज से निवेदन करूंगा कि कोई पंथ नहीं कोई वाद नहीं कोई विवाद नहीं सब खत्म कर दो और इस मंडल को सिर्फ एक निशाना बना दो हमारी मछली की आंख मंडल होना चाहिए मंडल अनूपमंडल मंडल और सिर्फ मंडल कुछ दिनों के लिए भू भूल जाओ कांजी पंथी तेरा पंथी ये पंथी वो पंथी सब कुछ भूल जाओ और सारे जैन इकट्ठे हो जाओ सारे युवाओं को आंदोलन करूंगा उठो जागो और सिर्फ जागो नहीं भागो और इस देश से इस पूरे ब्रह्मांड से इस अनुप मंडल को भगाओ जो कुरन कुरान को सही बताता है उनकी जगह पाकिस्तान में है भारत में नहीं उनको पाकिस्तान में भगाओ उनको इस देश से भगाओ और जब ही हम लोग ठंड शांति से बैठेंगे तभी हम चुप बैठेंगे और तब तक के लिए सभी जैन युवाओं से निवेदन है हम एक साथ आए और हम सब मिलकर पूरे देश से इस अनुपमंडल को भगाए जय जिने